खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम के वार्ड 38 में एक भूमालिक ने क्षेत्र के किसानों के खेत में सिंचाई के लिए 45 साल पुरानी नहर तोड़ दी। इस पर किसानों ने विरोध जताया तो आनंद फानंद में भूमालिक ने ग्रामीणों के लिए नहर दूसरी जगह शिफ्ट कर पूरा जो है पूरी कर दी। मामला प्रकाश में आने पर नलकूप विभाग ने मौके पर आके जांच की और पाया कि भू स्वामी द्वारा नलकूप की नहर को बिना कोई सूचना दिए तोड़ दिया और अनियंत्रित शिफ्ट कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकारी संपत्ति को बिना कोई अधिकारी सूचना के इस तरह ध्वस्त किया जा सकता है तो उनके यहाँ इस प्रकार के कई और नहरें भी है जो उनके खेतों से होकर जा रही है और यही भविष्य में सिंचाई में जो है दिक्कतें पैदा करेगी, इसलिए विभाग इस प्रकार के प्रकरण पर गंभीर होकर कार्रवाई सुनिश्चित करे। कोटद्वार से राजवेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। दूरभाष वार्ता पत्रकार बंधु द्वारा में सूचित किया गया था शाम के समय में लगभग 6 बजे के लगभग कि यहाँ पे गुल शिफ्ट की गई है, तो आज हम मौके पर आ गए हैं जो कि मनोज कुमार द्वारा मौके मुआयना किया गया जो कि मनोज द्वारा गलत गुल शिफ्ट की गई है, तो उनके विरुद्ध जो है हमारे सबसे कार्रवाई की जा रही है। उनकी अध्यक्ष रह चुकी हूँ, मैंने ये बनाई है नहर, बनाई है अच्छी मजबूत से बनाई है, अभी हमें पता चला कि नहर टूटी है, हम इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कि क्या हुआ, पर अब ये सुनने में आ रही कि इन्होंने नहर बना दी है दूसरी जगह। हाँ, इनके पास परमिशन भी होनी चाहिए, पूछ के इन्होंने तोड़नी थी, अब हमें पता चला जब नहर टूट गई। स्वास्थ्यकारों का फोन आया कि यहाँ पर पार्षद महोदय जी यहाँ पर नहर जो है ध्वस्त कर दी गई है, और जब मैं धरातल निरीक्षण पर आया तो मैंने महसूस कर पाया जो सत्य है, और सत्य यह है कि इस नहर को तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। और निश्चित रूप से जो नहर है सन 1965 से पूर्व की, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी कृषि भूमि के लिए जो पानी आता था इस नहर से आता था, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया है। भले ही इनके द्वारा एक वैकल्पिक रूप में नहर हो, लेकिन उस पर कई सवाल निशान खड़े होते हैं।